को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधे राधे कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ बहुत ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो जी पे नहा धोकर के आ गई हूँ और मैंने कहा चलो आज नहा धो कर के ब्लॉक की शुरुआत करते हैं क्योंकि सुबह की जब सब साफ़ सफ़ाई होती है ना तब नहाना नहीं बनता है तो मैं पूरी घर की साफ़ सफाई करके फिर नहाने जाती हूँ और आज मुझे करनी थी अपने मंदिर की साफ़ सफाई जो ऊपर की जो मंदिर की छत है दरवाजे वगैरह हो जाते ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से साफ करनी थी अच्छे से पोछा लगाना था मुझे क्योंकि एक महीने बाद तो मेरी वापसी हुई है तो जब से मैंने कुछ भी नहीं कर पाया एक महीने से तो पूरा घर बंद ही पड़ा हुआ था आई थॉट कि चलो मैं अब अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ पूजा करती हूँ तो जी यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए अच्छे से पोंछा लगा दिया है फिर मैं हाथ धो कर के गई थी तो मैंने बर्तन वगैरह धोकर के ले आई हूँ और अब अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ करूँगी ये नाम चले मन मन में हर सकल चिserde सेने सभी पुलचिserde काई तू ही थे मैं कला एकवंचु में हेलो एवरीवन राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सुबह के बज रहे हैं साढ़े दस दस बजे नहा धो करके रेडी हो गई थी मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि कहीं से भी आते हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है वैसे तो दो तीन दिन से कपड़े चल ही रहे हैं बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ना तो कपड़ों का पूरा रूटीन बिगड़ जाता है कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना कहीं से भी आओ जाओ तो वही कपड़े वगैरह धो रही थी अभी तो मेरा एक बैग खाली मैंने कल कर दिया था एक अभी मुझे आज करना है सॉरी दो बैग अभी खाली करने हैं और कल जो वाला बैग खाली करा था उसमें क्या था मैंने कपड़े कुछ धो करके पहले ही मायके से ही मतलब धो कर के लाई थी बट अब क्या है मुझे आयरन करना था तो कल मैंने वो सारे कपड़े आयरन करे इतने इतने सारे कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी बाद में वीडियो में अब देखेगा इतने सारे कपड़े मैंने आयरन करे तो वो सारे कपड़े ना अभी मुझे रखने हैं अच्छे से लगा करके मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर मैं रख पाऊंगी वैसे मैं रखूंगी अच्छे से धीरे धीरे एकदम से काम नहीं हो पाता क्योंकि श्रेय भी है उसका भी जो यू नो होमवर्क वगैरह मिलता था प्रैक्टिस के लिए कि बच्चे भूल ना जाए तो वो सारी चीज़ें भी मुझे अभी करवानी है उसका भी देखना पड़ता है घर के काम तो फिर है ही डेली रूटीन के तो बस इसी चक्कर में जो है मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ बट हो जाएगा और दो तीन दिन लगेंगे और सारा सब कुछ जो है रूटीन में आ जाएगा कपड़े दिखाती हूँ मैं आपको तो जी ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कपड़ों का ढेर है जो कि मैंने प्रेस करा था और अब मुझे रखना है इनको अलमारी में बट उसके पहले जो काम ज़रूरी है वो पहले निपटा लेते हैं तो वापस से आ गई हूँ यहाँ पे अपने काम करने के लिए चाय चढ़ा करके आ गई थी किचन में और मैंने सोचा चलो ये बेडरूम जो है इसको सही कर देते बेड शीट जो मैंने पूरी कल रात को ही अच्छे से झड़ा करके बिछाई थी तो मुझे झड़ाना नहीं है मैं रोज़ रोज़ नहीं झड़ाती हूँ कभी कभार झड़ा देती हूँ दो तीन दिन में ऐसा इसके बाद मुझे लग रही थी ठंड क्योंकि हेयर वॉश कर रहे थे तो मैंने स्वेटर पहना हस्बैंड डांट रहे थे कि तुम स्वेटर नहीं पहनती हो फिर कोल्ड हो जाएगा एंड बाकी अभी मैं वीडियो का एडिटिंग कर रही हूँ आप लोगों को मेरी वॉइस लग रही होगी मुझे हल्का सा कोल्ड हो रखा है आवाज़ चेंज हो जाती है ना कोल्ड होते ही जुकाम सर्दी होते ही तो जी यहाँ पे चाय मेरी बन ही गई थी और साथ ही साथ आलू पराठा मैंने सुबह बना लिए थे क्योंकि जब श्री का मैंने लंच दिया था ना उसको मैंने आलू पराठा ही दिए थे तो वही मैंने अपने लिए बना करके रख लिए थे अब बस गर्म करने हैं तो हम दोनों लोग खा लेंगे आलू पराठा एंड चाय यही है आज का हमारा ब्रेकफास्ट और कभी कभी ना चेंज भी हो जाता है ऐसा कभी पोहे बन जाते कभी फ्राइड राइस कभी सैंडविच ब्रेड टोस्ट या तो फिर रखी हुई नमकीन भी हम लोग ऐसा ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं कभी कभी मतलब हर एक दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट ऐसे हो जाता है तैयारी चल रही है यहाँ पे लंच बनाने की और आज मैं बहुत अच्छा वाला लंच बनाने जा रही हूँ जो कि बेसिकली मुझे और मेरे हस्बैंड को मतलब हमारे घर में ना सभी लोगों को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो कि है आलू बैंगन की मसाला जो इसका है ना ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया है मसाला जो सिलबट्टा होता है ना उसी पे अपने हाथों से बांट करके मसाला बनाया उसमें सब्ज़ी छोंक दी है मैंने और यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया आटा मुझे ना छानना नहीं पड़ता क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पे आटा पूरा मैं छान कर रखी ही लेती हूँ एक कंटेनर में भर के इकट्ठा छान के फिर मुझे छानना नहीं पड़ता तो यहाँ पे आटा मेरा ख़त्म होने वाला है मुझे मंगाना ही पड़ेगा तो मैंने इनसे बोल दिया था कि अब जाओ तो आटा ले आना और यहाँ पे जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाती है ना मुझे याद रखना पड़ता भाई क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो मैं इनको बोलती रहती हूँ और यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली है और बस आटा गोथ लिया है तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी रोटियाँ जो है ना ये बोल रहे थे कि इकट्ठी बना लो साथ में मिल खा लेंगे क्योंकि साथ में ना अच्छे से खाना खा लिया जाता है अकेले बैठ के उतना नहीं खाते वरना क्या होता है ना अगर इनको बहुत जल्दी जाना होता है तो फिर ये मतलब खा लेते हैं ऐसा कुछ नहीं बट आज घर पर ही है तो बोल रहे थे कि चलो साथ में सब लोग बैठ के खा लेंगे यहाँ पे मुझे किचन अच्छे से क्लीन करना था पूरा खाना बन चुका है किचन एक बार वाइप कर दूँगी अच्छे से तो मैं बाद में ही साफ करूँगी अभी ऐसे ही हल्का फुल्का साफ कर दिया है थाली लगा लेंगे हम दोनों जन अपनी और श्रेय को आने में थोड़ा सा टाइम है अभी तो हम दोनों लोग खा लेंगे जैसे ऐसा होता ना कि चलो बस आने वाला है तो हम लोग वेट भी कर लेते हैं और साथ में मीठे में है रसमलाई और रात की ना दाल भी बची हुई थी तो हम लोगों ने वो भी गर्म कर ली है तो आज की लंच थाली ऐसी है कुछ चलो चलते हैं और आप भी आइएगा मिल खाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे फाइनली मैं लंच ले करके आ गई हूँ हम दोनों जन मिल लंच करेंगे और यहाँ पर देखो सामान पीछे कितना सारा रखा है ना ये पूरे बैग में जो अभी खाली करने हैं एक बैग मैंने खाली करा ये बाकी के जो है आज मैं अभी कर दूंगी फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर जो कपड़े हैं उनको उठाने की के लिए और नए कपड़े जो धोए वो डालने के लिए हेलो एवरीवन अभी टाइम हो रहा है दोपहर तो के बज रहे हैं साढ़े तीन और मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर छत पे आई थी क्योंकि मैंने सुबह जो डाले थे वो सूख गए हैं वो मैंने यहाँ रख लिए एंड जो मैंने अभी दूसरी बार धोकर दू के डाले वो मैंने डाल दी अभी क्योंकि आज मुझे दो बार कपड़े धोने पड़े कपड़े इतने सारे हैं और अब तो श्रेखा स्कूल चालू हो गया तो यूनिफॉर्म वगैरह भी हो ही जाएंगे और काम तो ऐसा चलता ही रहेगा फिलहाल बात करते हैं मौसम की बहुत अच्छी धूप लग रही है यहाँ से ऐसी यह धूप आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है मन कर रहा बस पूरी दोपहर यहीं बैठी रहो क्योंकि धूप अब बस पाँच बजे तक की है तो मशीन ड्राई कपड़े हैं ना तो यू नो सूख जाएंगे इनर वगैरह है श्रेका यूनिफॉर्म है लोवर वगैरह है वो सूख जाएगा वुलन कपड़े ना धोने में बड़े हैवी लगते हैं बट जैसे ही मशीन ड्राई कर दो ना बड़े हल्के से हो जाते हैं तो सूख ही जाएंगे थोड़ी सी धूप की और ज़रूरत है एक डेढ़ घंटे दो घंटे धूप लग जाएगी उसके बाद फिर मैं नीचे यू you नो know, ले जाऊँगी इनको अभी मुझे करना है वीडियो का एडिटिंग साथ ही साथ बहुत सारा काम है किचन वगैरह से फ्री हुई फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया फिर श्रेय आ गया था तो उसको खाना दिया उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए यूनिफॉर्म वगैरह धुले जो कपड़े मैंने अभी धो करके डाले वो अच्छे से हाथ पैर मैंने वॉश किया एंड लगा लिया है मैंने सनस्क्रीन अच्छे से धूप में भले ही आप बैठो ना बैठो बट सनस्क्रीन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज यू नो सभी लोग यूज़ करते हैं तो जी मुझे करना है बैग खाली और बैग खाली करने में हालत ख़राब हो जाएगी और मैं सच बताऊँ ना मुझे वहीं का सब कुछ याद आ रहा है कैसे मैं वहाँ रहती थी अभी मैं न माइके वाले जोन से नहीं निकल पा रही हूँ सब कुछ याद आ रहा है कैसे हम लोग बातें करते थे मस्ती करते थे हर जगह जाते थे घूमते थे और अमीषा को भी हमारी और यू नो श्री की बहुत याद आ रही है वो भी बहुत मिस कर रही है और हम लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं कैर बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम सब लोग तो जी यहाँ पे वन बाय वन सारे बैग में लेकर के आती जा रही हूँ ये ब्लैक वाला बैग हस्बैंड ने हेल्प करवा दी थी मेरी क्योंकि ये जो खाली पड़ा हुआ एक बैग आपको सामने दिख रहा है ना साइड पे वो हस्बैंड का ही है तो वो उन्होंने रख दिया है अपने कपड़े सारे निकाल करके और ये जो दो बैग हैं जिस पे मेरे और श्रेय के कपड़े हैं तो मुझे वही खाली करना है और यहाँ पे हस्बैंड लेटे हुए हैं क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा सा लेट गए रजाई में और हमारे यहाँ ना थोड़ी सी लेट धूप आती है ठंड इतनी ज़्यादा है ना नॉर्थ इंडिया में कि धूप में भी बैठो तो अगर हवा चले ना तब भी ठंड लगती है तो यहाँ पे मैं सामान निकालते निकालते बहुत कुछ सोच रही थी तो अभी जैसे जैसे भी मैं सारा सामान निकाल रही हूँ की यादें मुझे आती जा रही है खूब सारे घूमने भी गए थे तो अभी अभी जैसे मैंने अमित शाह बात करी एंड वो भी बोल रही थी कि हम लोगों को तुम्हारी बहुत याद आ रही है ऐसा होता है जब भी मायके से आऊ ससुराल तो एटलीस्ट आपको एक्चुअल सोने में ज्यादा नहीं बोलूंगी बट मैं अपना अगर पर्सनली बताऊँ मुझे एडजस्ट होने में आठ से दस दिन लगते हैं तब मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एडजस्ट हो पाती हूँ बाकी यू you नो know, मुझे लगता है ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो जिसको मायके की याद ना आती हो भले ही आपके ससुराल में खूब सारा प्यार मिलता है लेकिन मायके की एक बात ही अलग है वहां पर आप एक लाडली बिटिया यू नो आपकी सारी चीजें जो है आपके मुताबिक होती है और यहाँ पे आपको सारी चीजें करने के लिए दूसरों का यू you नो know, मन पसंद लाइक अल लाइक देखना पड़ता है खैर और यहाँ पे ये मैं बैग देख रही थी कि बैग में न्यू लाई थी ना उसका पूजन किया था मैंने और हमीशा ने मिल तो ये सारी चीज़ें एकदम से मतलब नहीं हटती ना दिमाग से बस मुझे रोना आ गया और मैं ऐसे ही रोने लगी हस्बैंड कह रहे थे वो लेटे लेटे डांट रहे थे कि तुम क्या पागल हो जैसे कर रही हो मत रो अभी लेकिन वो लोग लो नहीं समझते ना कोई भी लड़की हो मायके से आती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं भी नहीं और कोई भी नहीं शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये सर्टिफिकेट जो मैं दिखा रही थी ये का सर्टिफिकेट है मॉडलिंग का है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी तो यहाँ पे आ, सामान रख करके आ गई हूँ लेकिन हाँ एक बात तो है कि धीरे 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 सारी चीज़ें सेट होती है रूटीन में आती है अभी वो एकदम अलग सा जोन था फिर वापस से यूँ ससुराल में आके तुरंत काम में लग जाना हंसी- खुशी दैट इज नॉट ईजी हर लड़की के लिए बहुत हार्ड होता है ये सारी चीज़ें शादी को तो वैसे नौ साल हो गए हैं लेकिन फिर भी जब भी मायके से आती हूँ तो मुझे रोना आता ही है मायके से आते टाइम भी रोना आता है और जब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ तब भी रोना आता है पता नहीं क्यों मुझे आ, यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो नहीं अच्छा लग रहा है बट धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए बातें करने के लिए मस्ती करने के लिए कि इसका थोड़ा सा मूड स्विंग करते हैं ये वही जोन में है तो बस ऐसी हम दोनों की मस्ती चलती रहती है एंड ही इज़ वेरी मैच्योर वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं समझते हैं कि मेरा किस चीज़ में मूड ख़राब होता है किस चीज़ में मुझे कौन सी चीज़ मुझे पसंद है नहीं है पसंद सारी चीज़ें मुझे समझते हैं तो ये एक अच्छी बात है होना चाहिए यार ऐसा होना चाहिए हस्बैंड को वाइफ की बातें समझनी चाहिए हर वाइफ का भी फ़र्ज़ है कि वो भी अपने हस्बैंड की अच्छी बुरी चीज़ें अच्छी बुरी आदतें पसंद नापसंद सारी चीज़ें समझे और इससे ही हमारा जीवन ना बहुत अच्छे से बीतता है और बहुत कलरफुल लाइफ बन जाती है और वहीं अगर ये छोटी छोटी चीज़ें कहने को तो लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं बहुत अच्छा फील करवाती है आपको तो यहाँ पे ये बड़ा वाला बैग जो है बेड में नहीं बन रहा था तो फिर उसको मैंने निकाल दिया मैं जो छोटा वाला बेड है ना श्रीका उस वाले बेड में रखूंगी वो काफी बड़ा है तो उसी में रख दूंगी यहाँ पे बाकी का सामान मैंने रख दिया आप लोगों ने देखा मेरे इतने सारे कपड़े हैं ना कि हमारे एक वॉडरूम में नहीं आते तो यहाँ पे कुछ मैंने सारे मेरे जितने भी कपड़े ज्यादातर मैंने बेड में ही रखती हूँ मैं और इस वाले वार्डरूम में तो सिर्फ़ शे के और हस्बैंड के ही कपड़े आते हैं और ये जो पॉलीथीन वगैरह होती है ना साड़ियाँ वगैरह लेने जाते हैं बच्चों के कपड़े तो अच्छी सी पॉलीथीन वगैरह मिल जाती है तो उनको भी मैं स्टोर करके अच्छे से रख लेती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े बस मैं वही एक ड्रॉवर खोलूँ और निकाल दूँ और इस तरीके से जो कपड़े आयन करने थे उसको मैंने बांध के रख दिया तो बस आज का ब्लॉग यही है मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में जब तक के लिए अपना ध्यान रखें